प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैंने लगभग एक साल पहले ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से एक बात कही थी कि 2022 का समय राजनीति के लिए बहुत बड़े बदलाव के लिए जाना जाएगा और उसमें बहुत कुछ होगा, और जो बहुत कुछ होगा वो ऐसा होगा जो अप्रत्याशित होगा और हमारी समझ से बहुत परे होगा। राजनीतिक दलों के बीच में जिस तरह की छींटाकशी चल रही है वो तो एक सामान्य सी बात है। लोगों का राजनीतिक दल को छोड़ करके एक दल से दूसरे दल में जाना ये भी बहुत छोटी सी बात है। कुछ लोगों का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो जाएगा ये भी बहुत छोटी सी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि 2022 के अंदर ग्रहों की स्थिति बहुत बड़े सुधार का संकेत भी दे रही है। और यदि मैं ग्रहों का आकलन ठीक से कर पा रहा हूं तो 2022 में मुझे एक ऐसी घटना घटित होती हुई नजर आ रही है जो अपने आप में बहुत ही अचंभित करने वाली है। दर्शकों, 2022 के बाद में चूंकि शनि अपने मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि के अंदर शनि बहुत बड़ी सुधार प्रक्रिया को जन्म देंगे, लेकिन ये सुधार प्रक्रिया सरकार के अंदर की होगी, आम जनता के लिए नहीं होगी। आम जनता के लिए सुधार प्रक्रिया शनि ने 2.5 साल में पूरी कर दी है। हर इंसान को ये समझा दिया है कि जीवन क्या है और जीवन का महत्व क्या है। लेकिन कुंभ राशि में जब शनि प्रवेश करेंगे उस समय पर पूरी दुनिया के अंदर हम बहुत बड़ा एक राजनीतिक सुधार देखेंगे। यानी जो लोग भी आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी भी तरह की ऐसी पृष्ठभूमि उनकी है जो कहीं ना कहीं उन्हें टैक्स चोरी करने वाला बनाती है, अराजकता फैलाने वाला बनाती है, सोसाइटी को डैमेज करने वाला बनाती है, आपराधिक तत्व हो या किसी भी तरह से बाहुबली हो, जो अपने प्रभाव से राजनीति को प्रभावित भी करते हैं और एक बार राजनीति में आते हैं तो उसके बाद राजनीति का दुरुपयोग करके अपनी संपत्ति बनाते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, ऐसे सभी लोगों का राजनीति में प्रवेश हमेशा के लिए बंद हो जाए, इसकी एक बहुत बड़ी प्रबल संभावना नजर आती है। बहुत बड़ी बात दर्शकों मैं आपको इस वीडियो के अंदर कहने जा रहा हूं। भ्रष्टाचारियों की और बाहुबलियों की राजनीति के अंदर एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाए, ऐसी किसी घटना को मैं घटित होते हुए 2022 में देख रहा हूं। क्योंकि शनि के गोचर को मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और यह अध्ययन मुझे इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि बहुत बड़ी घटना 2022 में होने वाली है और ये ऐसा कदम होगा जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और दलों के अंदर भी एक बहुत बड़ी उथल फुथल पैदा करेगा। और मुझे इसका संकेत भी नजर आ रहा है कि अब विश्व के अंदर राजनीतिक पार्टियों की सफाई का अभियान भी शुरू हो गया है और ये केवल शुरुआत मात्र है। घटना बहुत बड़ी है और उसका एक छोटा सा सूत्र देखने को मिला है। उस सूत्र को मैं जब मिलाता हूं तो मुझे बहुत बड़ी घटना घटित होती हुई नजर आती है, क्योंकि ग्रहों का कॉम्बिनेशन तो मेरे सामने है लेकिन मुझे एक सूत्र चाहिए था कि आखिर ये कैसे संभव होगा। सिंपल सा एक बिल आ जाए कि आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ये तो बहुत पहले से बात होती आ रही है और ये बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन होता यह है कि हर सत्ता में बने रहने वाले लोग अपने ही पार्टी के कुछ बाहुबलियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे में इस बार ऐसा हो जिसमें सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ भी कदम उठाए और बाकी लोगों के खिलाफ भी कदम उठाए और उसके लिए सबसे पहले सफाई अभियान वो अपनी ही पार्टी में करे और बाद में फिर सबके लिए अप्लाई करे,
ताकि कोई विरोध भी ना हो, ऐसी संभावना मुझे नजर आती है। और ये बहुत बड़ी घटना है। मैं एक साल पहले ही बोल चुका था आपको कि राजनीति के अंदर 2022 का साल बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी उथल फुथल करने वाला होगा। लेकिन सामान्य उथल फुथल तो होती रही है, होती रहेंगी, लेकिन ये जो उथल फुथल मुझे दिख रही है ये इतिहास की सबसे बड़ी उथल फुथल होगी। इसका मैंने आप लोगों को बहुत पहले आकलन करके दिया था, लेकिन मैं भी इस चीज को सोचने पर मजबूर था कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन हो कैसे सकता है, क्योंकि बाहुबली और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग तो हर पार्टी में होते हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है कोई ना कोई पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर खड़े होते हैं और सरकारों को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। ग्रहों की परिस्थिति का यह संकेत देना ये इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि 2022 के अंदर राजनीति के अंदर वो धुलाई होने वाली है, वो सफाई अभियान चलेगा जो भारत के इतिहास में ना पहले कभी हुआ और ना आगे कभी होगा। यानी योग्य व्यक्ति ही राजनीति में रहे, भ्रष्टाचारियों का पूरी तरह से प्रवेश निषेध हो जाए राजनीति के अंदर, और समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग, एक अच्छी आइडियोलॉजी के लोग जो हर तबके से हो, हर समाज से हो, हर जाति से हो और हर पार्टी से हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसी संभावनाओं की रूपरेखा बननी आरंभ हो गई है। और ये बहुत बड़ी मेरी भविष्यवाणी है जिसे आप अगले 1 से 1.5 साल में घटित होता हुआ देखेंगे। केवल छोटा सा संकेत अभी आपने देखा है, इसकी बहुत बड़ी पिक्चर आप 2022 में देखेंगे। इसीलिए जो लोग भी सही रास्ते से राजनीति करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये समय किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं होगा। निस्संदेह वो लोग अपनी अपनी पार्टियों के अंदर आगे बढ़े, एक अच्छी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य, राजनीतिक भविष्य उनका जरूर उज्जवल होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।